हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चित्रकूट एकेडमी। आज की इस वीडियो में अध्ययन करेंगे जय प्रक्रम, जो कि जय प्रक्रम के दूसरे प्रक्रम रिस्पायरेशन के बारे में होगा। पिछले दो पार्ट में हमने अध्ययन किया था जय प्रक्रम क्या होता है और जय प्रक्रम के अंतर्गत न्यूट्रिशन या पोषण क्या होता है। पोषण को विस्तार पूर्वक पिछले दो पार्ट में हमने देखा और आज की इस वीडियो में जय प्रक्रम के अगले प्रक्रम यानी कि रिस्पायरेशन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको स्टार्टिंग में ही बताया गया था कि जैव प्रक्रम के अंतर्गत चार प्रक्रम का अध्ययन करना है, जिसमें से पहला था पोषण, दूसरा जो आज का टॉपिक है रिस्पायरेशन श्वसन, और अगले दो प्रक्रम में हम लोग वहन और उत्सर्जन का अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिस्पायरेशन क्या होता है? श्वसन जैव प्रक्रम के अंतर्गत आने वाली एक प्रकार का प्रक्रम है या एक प्रकार की प्रक्रिया है। यह दो प्रकार का होता है। श्वसन जो कि जैव प्रक्रम के अंतर्गत आने वाला दूसरे प्रकार का प्रक्रम है। श्वसन को दो प्रकार से हम अध्ययन करेंगे, जिसमें से श्वसन का पहला प्रकार होता है रिस्पायरेशन, या इसको हम श्वसन भी कह सकते हैं। दूसरा होता है कोशिकीय श्वसन। श्वसन क्या होता है? श्वसन हम उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें वातावरण से जीव वायु का आदान प्रदान करता है। जैसे पेड़ पौधे श्वसन की प्रक्रिया में वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं, या ऑक्सीजन को जब वो श्वास छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं। उसी प्रकार जीवों में जब श्वसन की प्रक्रिया होती है तो वातावरण से वायु का आदान प्रदान होता है, लेकिन जीव वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जित करते हैं, या बाहर श्वास जब छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। अब देखते हैं श्वसन के अंतर्गत पहले प्रकार का श्वसन या रिस्पायरेशन किसे कहते हैं। तो श्वसन की प्रक्रिया के अंतर्गत गैसों का आदान प्रदान होता है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, गैसों का आदान प्रदान होता है। इसमें ऑक्सीजन O2 शरीर के अंदर जाता है। जब हम सांस को खींचते हैं या श्वास लेते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन अंदर प्रवेश करती है, तथा कार्बन डाइऑक्साइड जब हम श्वास छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। हालांकि संपूर्ण रूप से ना तो हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और ना ही संपूर्ण रूप से कार्बन डाइऑक्साइड को श्वास के माध्यम से बाहर छोड़ते हैं। इसमें कुछ प्रतिशत ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है और कुछ प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड ही बाहर निकाली जाती है। इसको हम पूर्ण रूप से नहीं कह सकते कि हम जब श्वसन क्रिया करते हैं और जब श्वास लेते हैं तो शुद्ध ऑक्सीजन लेते हैं। ये कई प्रकार की गैसों का एक मिश्रण होता है, तथा जब हम कार्बन डाइऑक्साइड या श्वास को छोड़ते हैं उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड की कुछ ही मात्रा होती है, और उसमें कई प्रकार की गैसें जो हमने श्वसन क्रिया के दौरान ली थी वही गैसें उस पर उपस्थित होती हैं। जब हम श्वास लेते हैं तो इसमें ऑक्सीजन को नाक के द्वारा अंदर खींचते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। जब हम श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और जब श्वास को छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। देखते हैं कोशिकीय श्वसन, जो कि श्वसन का दूसरा प्रकार है। कोशिकीय श्वसन क्या होता है? कोशिकीय श्वसन जिसे केवल श्वसन भी कहा जाता है, एक मेटाबॉलिक प्रतिक्रिया या प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया जिसको कोशिकीय श्वसन कहते हैं, जीवों की कोशिका के अंदर होती है। ये जीवों की
कोशिका के अंदर होती है, जिसमें पोषक तत्वों का उपयोग ऊर्जा अर्थात जैव रासायनिक ऊर्जा प्राप्त करने में किया जाता है। आप एक बार इसको पुनः देखेंगे, कोशिकीय श्वसन, जिसे केवल श्वसन भी कहा जा सकता है, एक प्रकार की मेटाबॉलिक प्रतिक्रिया है जो कि कोशिका के अंदर होती है, कोशिकाओं में होती है, जिसमें पोषक तत्वों का उपयोग, जो पोषक तत्व इस श्वसन प्रक्रिया के माध्यम से अवशोषित किए जाते हैं, उनका प्रयोग ऊर्जा प्राप्त करने में किया जाता है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि शारीरिक क्रियाकलापों को करने के लिए मानव शरीर या जंतु जीवों के शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वो ऊर्जा ये जो चार प्रकार के प्रक्रम होते हैं इन्हीं प्रक्रमों के माध्यम से प्राप्त होती है। श्वसन में जब कोशिकीय श्वसन होता है तो उसमें जो पोषक पदार्थों का उपयोग होता है वो रासायनिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जंतुओं में कोशिकीय श्वसन या सेलुलर रेस्पायरेशन के लिए श्वसन या श्वास लेना अति आवश्यक है, यानी कि वातावरण से वायु को ग्रहण करना, श्वास के रूप में अंदर लेना अति आवश्यक है। किनमें? जंतुओं में। कोशिकीय श्वसन के लिए वातावरण से श्वास लेना या श्वसन करना आवश्यक है। अब देखते हैं कि श्वसन की प्रक्रिया दो चरणों में संपन्न होती है। ये प्रक्रिया जो श्वास लेने की या रेस्पायरेशन की होती है, जो कि अभी हमने देखा कोशिकीय श्वसन, तो कोशिकीय श्वसन के अंतर्गत श्वसन की प्रक्रिया को दो चरणों में हम अध्ययन करेंगे, या दो चरणों में ये संपन्न होती है। पहले चरण में ग्लूकोज का विघटन पाइरूवेट अम्ल में होता है। पाइरूवेट अम्ल का ये फार्मूला आप यहां पर देख रहे हैं, और ग्लूकोज का फार्मूला आपने पोषण में भी पढ़ा था, हो सकता है आपको याद हो। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। पहले चरण में ग्लूकोज का विघटन पाइरूवेट अम्ल में होता है, यानी कि ग्लूकोज, जिसमें कार्बन के 6 परमाणु ऑक्सीजन के 12 ये सॉरी कार्बन के 6 परमाणु हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6, जिसका विघटन कार्बन के 3 हाइड्रोजन के 4 और ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं में होता है। तो पहले चरण में ग्लूकोज का विघटन पाइरूवेट अम्ल में होता है। ग्लूकोज के अणुओं में कार्बन के 6 परमाणु होते हैं, जबकि पाइरूवेट अम्ल के अणुओं में 3 परमाणु कार्बन के होते हैं। यहां पर आप क्लियर देख पा रहे होंगे कि ग्लूकोज में कार्बन के 6 परमाणु हैं, हाइड्रोजन के 12 परमाणु हैं और ऑक्सीजन के 6 परमाणु हैं, जबकि पाइरूवेट अम्ल में कार्बन के 3, हाइड्रोजन के 4 और ऑक्सीजन के 3 परमाणु उपस्थित हैं। तो सेलुलर रिस्पायरेशन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन पाइरूवेट अम्ल में होता है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। श्वसन की प्रक्रिया में या सेलुलर रिस्पायरेशन में प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन पाइरूवेट अम्ल में होता है, और दूसरे चरण में पाइरूवेट अम्ल का विघटन कार्बन डाइऑक्साइड तथा इथेनॉल या लैक्टिक अम्ल में हो सकता है। पाइरूवेट अम्ल का विघटन दूसरे चरण में, सेलुलर रेस्पायरेशन के दूसरे चरण में पाइरूवेट अम्ल का विघटन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा इथेनॉल या लैक्टिक अम्ल में हो सकता है, जो वायु की अनुपस्थिति में होता है, जो कि वायु की कमी होने के कारण या वायु की अनुपस्थिति में होता है। यह प्रक्रिया या यह प्रक्रम किण्वन के समय ईस्ट में होती है, ये इसका उदाहरण है। अब पाइरूवेट का विघटन किस प्रकार से होता है? पाइरूवेट का विघटन, यह प्रक्रिया वायु की
अनुपस्थिति में होती है। पाइरूवेट का विघटन वायु की अनुपस्थिति में होती है। इस प्रक्रिया में पाइरूवेट अम्ल विघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। पाइरूवेट अम्ल विघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है C3H4O3। ये आप देख पा रहे होंगे पाइरूवेट अम्ल का फार्मूला है, जिसका विघटन सेलुलर रिस्पायरेशन के अगले चरण में कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में हो जाता है या जल में हो जाता है। पाइरूवेट अम्ल का विघटन ऊष्माक्षेपी होता है, अतः इसमें ऊर्जा निकलती है। ऊष्माक्षेपी का अर्थ होता है ऊष्मा निकलना, या इस प्रक्रिया में ऊष्मा उत्सर्जित होती है। इसको अंग्रेजी में एक्सोथर्मिक कहेंगे, तथा इससे प्राप्त एटीपी, एटीपी का फुल फॉर्म दिया हुआ है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, के संक्षिप्त रूप में या संरक्षित हो जाती है, एटीपी के रूप में संरक्षित हो जाती है। जो पाइरूवेट अम्ल के विघटन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, वह ऊर्जा एटीपी या एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संरक्षित हो जाती है, जिसे आवश्यकता अनुसार छोड़ा जाता है या इस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। श्वसन का यह प्रक्रम माइटोकांड्रिया में संपन्न होता है। श्वसन की यह प्रक्रिया जो सेलुलर रिस्पायरेशन है, ये माइटोकांड्रिया में संपन्न होती है। ये चीज आप याद रखेंगे, श्वसन की प्रक्रिया जिसमें पाइरूवेट अम्ल का विघटन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल में, यह प्रक्रिया माइटोकांड्रिया में संपन्न होती है। चूंकि माइटोकांड्रिया जो कोशिका के अंदर होती है तथा इससे ऊर्जा प्राप्त होती है, अतः इसे कोशिका का ऊर्जा घर भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, पावर हाउस किसे कहा जाता है या ऊर्जा का घर किसे कहा जाता है, तो आप ये चीज ध्यान रखेंगे। पावर हाउस क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहीं पर सेलुलर रिस्पायरेशन में ऊर्जा का उत्पादन होता है, या आप कह सकते हैं कि श्वसन का यह प्रक्रम माइटोकांड्रिया में संपन्न होता है, जहां पर ऊर्जा का उत्पादन होता है। इसीलिए इसे कोशिका का ऊर्जा घर या पावर हाउस कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। भिन्न जीवों में श्वसन की प्रक्रिया कई तरह से संपन्न होती है, कई प्रकार से संपन्न होती है। श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति के आधार पर इसे दो भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। अभी तक आपने देखा कि सेलुलर रिस्पायरेशन दो प्रकार से होता है, दो चरणों में होता है। अब देखेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति के आधार पर, भी हम इसको दो भागों से या दो प्रकार से अध्ययन कर सकते हैं। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति के आधार पर इसको हम दो प्रकारों से देखेंगे। पहला है उसमें से अवायवी श्वसन, एनारोबिक रेस्पायरेशन। दूसरा वायवी श्वसन या एरोबिक रेस्पायरेशन। इसको इस चार्ट के माध्यम से देखेंगे, वायवी श्वसन क्या होता है और अवायवी श्वसन क्या होता है। वायवी श्वसन में या एरोबिक रिस्पायरेशन में, अंग्रेजी में जिसको एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं, वायवी श्वसन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। वायवी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण रूप से उपचयन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा मुक्त होती है। वायवी श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा प्राप्त होती है वायवी श्वसन के माध्यम से। वायवी श्वसन में यह कोशिका द्रव्य माइटोकांड्रिया में
संपन्न होती है। वायवीय श्वसन कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म और माइटोकांड्रिया में संपन्न होती है। अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। अधिक ऊर्जा किसमें उत्पन्न होती है? वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो कि ऊर्जा का एक रूप है। यह प्रक्रिया का उदाहरण आप मानव को लेंगे। मानव में वायवीय श्वसन होता है यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होता है। दूसरा अवायवीय श्वसन जिसको हम एनारोबिक रेस्पायरेशन कहते हैं, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तथा ग्लूकोज का पूर्ण रूप से उपचयन इसमें नहीं होता है, जिसमें एथेनॉल, लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त होती है। यह केवल कोशिका द्रव्य में होती है, जबकि वायवीय श्वसन कोशिका द्रव्य व माइटोकांड्रिया में होती है और अवायवीय श्वसन केवल कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में होती है। इसमें कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। अवायवीय श्वसन में कम ऊर्जा उत्पन्न होती है 2 ATP, जब वायवीय श्वसन में 36 ATP और अवायवीय श्वसन में 2 ATP ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगर पूछा जाए कि श्वसन की प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है तो टोटल होगा 638 ATP, जो कि 36 ATP वायवीय श्वसन के माध्यम से उत्पन्न होती है और 2 ATP अवायवीय श्वसन के माध्यम से उत्पन्न होती है। ATP जो कि ऊर्जा का एक रूप है, इसका फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, ये परीक्षा में अक्सर विकल्प में पूछ लेता है। ATP जिसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अभी आपने देखा वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन क्या होता है और इसमें अंतर क्या होता है। आप इसको दोबारा से पुनः देखेंगे कि किस प्रकार से वायवीय श्वसन होता है और अवायवीय श्वसन होता है। तो वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होता है, जबकि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण रूप से उपचयन नहीं होता है। अब वायवीय श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा मुक्त होती है, जबकि अवायवीय श्वसन में या एनारोबिक रिस्पायरेशन में एथेनॉल, लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा मुक्त होती है। वायवीय श्वसन कोशिका द्रव्य व माइटोकांड्रिया में होती है, जबकि अवायवीय श्वसन या एनारोबिक रिस्पायरेशन केवल कोशिका द्रव्य में होती है। वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है अवायवीय श्वसन की अपेक्षा। वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो कि 36 ATP होती है और यह मानव में वायवीय श्वसन होता है, जबकि अवायवीय श्वसन में कम ऊर्जा उत्पन्न होती है, केवल 2 ATP ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसका उदाहरण ईस्ट है। अवायवीय श्वसन एनारोबिक रिस्पायरेशन, अभी तक आपने देखा वायवीय श्वसन, अब देखेंगे एनारोबिक रेस्पायरेशन। ऑक्सीजन की अनुपस्थित में होने वाला श्वसन अवायवी श्वसन कहलाता है या एनारोबिक रेस्पायरेशन कहलाता है। यह प्रक्रिया किण्वन के समय ईस्ट में होती है, किण्वन के समय ईस्ट में होती है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरूवेट अम्ल के विघटन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ एथेनॉल की जगह लैक्टिक एसिड भी बनता है। पिछले चार्ट में भी आपने देखा था कि किस प्रकार से वायवीय श्वसन होता है और किस प्रकार से अवायवीय श्वसन होता है। वायवीय श्वसन में कौन कौन से उत्पाद बनते हैं, जबकि अवायवीय श्वसन में कौन कौन से उत्पाद बनते हैं। ग्लूकोज का जब पूर्ण रूप से उपचयन होता है वायवीय श्वसन में तो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा मुक्त होती है, जबकि अवायवीय श्वसन में एथेनॉल, लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त होती है।
अब देखेंगे वायवीय श्वसन। वायु अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन वायवीय श्वसन कहलाता है। ये अभी आपने चार्ट में देखा भी था। वायु की उपस्थिति में होने वाले श्वसन की प्रक्रिया में पाइरूवेट अम्ल विघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाता है। वायु की उपस्थिति में होने वाली प्रक्रिया में अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वायु की उपस्थिति में होने वाली प्रक्रिया में अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। हमारे शरीर में होने वाला श्वसन वायवीय श्वसन होता है। जो मानव के शरीर में श्वसन होता है वो वायवीय श्वसन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। अब देखेंगे कि किस प्रकार से ग्लूकोज का विघटन होता है और उससे किस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है। कार्बन के 6 अणु ग्लूकोज में उपस्थित होते हैं। ये प्रक्रिया जब कोशिका द्रव्य में होती है तो पाइरूवेट अम्ल में ग्लूकोज का विघटन होता है, जिसमें 3 कार्बन के परमाणु उपस्थित होते हैं तथा ऊर्जा का उत्पादन होता है। पाइरूवेट अम्ल का विघटन जब ईस्ट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा और 2 कार्बन के अणु उपस्थित होते हैं। यही प्रक्रिया जब ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशी कोशिकाओं में होती है या मानव की कोशिकाओं में होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा का निर्माण होता है। और जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यही प्रक्रिया माइटोकांड्रिया में होती है तो प्रोडक्ट के रूप में लैक्टिक एसिड और ऊर्जा का उत्पादन होता है, जिसमें कार्बन के 3 अणु उपस्थित होते हैं। अभी आपने चार्ट के माध्यम से समझा कि ग्लूकोज का विघटन वायु की अनुपस्थिति में या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब होता है तो किस प्रकार से उत्पाद बनते हैं। एक बार और देखेंगे, ग्लूकोज जिसमें कि कार्बन के 6 परमाणु उपस्थित होते हैं, जब यह प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होती है तो ग्लूकोज का विघटन पाइरूवेट अम्ल में होता है। इसमें 3 कार्बन के परमाणु उपस्थित होते हैं तथा ऊर्जा का उत्पादन होता है। पाइरूवेट अम्ल का विघटन जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ईस्ट में होता है तो इस प्रक्रिया में एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा का उत्पादन होता है। और यही प्रक्रिया जब मानव के शरीर की कोशिकाओं में, पेशी कोशिकाओं में या कह सकते हैं साइटोप्लाज्म में होता है ऑक्सीजन के अभाव में, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा का निर्माण होता है। और यही प्रक्रिया पाइरूवेट अम्ल का विघटन जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकांड्रिया में होती है तो लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा का उत्पादन होता है। अब देखेंगे पैर के मांसपेशियों में दर्द या ऐंठन क्यों होता है। ये कभी कभी जब हम अधिक भागदौड़ कर लेते हैं या अधिक मेहनत कर लेते हैं तो दौड़ने पर हमारी पेशी कोशिकाएं, जब हम कभी कभी अधिक दौड़ भाग करते हैं तो हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इस स्थिति में ऊर्जा प्राप्ति के लिए पाइरूवेट अम्ल का विघटन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने लगता है। जैसे कि आपने अभी पिछले चार्ट में देखा था कि जब कोशिका में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरूवेट अम्ल का विघटन होता है तो लैक्टिक एसिड का निर्माण होने लगता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा का निर्माण होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति माइटोकांड्रिया में लैक्टिक एसिड और ऊर्जा का निर्माण होता है। जब अधिक दौड़ भाग करते हैं तो हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है या ऑक्सीजन की जब कमी हो जाती है। इस स्थिति में जब शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जैसा कि पहले ही हमने आपको बताया था कि शरीर शारीरिक क्रियाकलापों को करने के लिए शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब जब शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो पाइरूवेट अम्ल का विघटन स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन जब पाइरूवेट अम्ल का विघटन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा या ऑक्सीजन की कमी में होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ CO2 के साथ लैक्टिक एसिड का निर्माण होने लगता है।
लैक्टिक एसिड का निर्माण होने लगता है। और जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है तो इसी लैक्टिक अम्ल के कारण, यही इसी लैक्टिक एसिड के कारण हमारी पेशियों में दर्द होने लगता है या क्रैम्प होने लगता है। तो जब पेशियों में दर्द अधिक दौड़ भाग करने के कारण होता है वो इसी लैक्टिक एसिड के कारण होता है। जब हम पुनः आराम करने लगते हैं या जहां जिस भाग पर, जिस अंग में दर्द हो रहा है या पेशियों में जहां पर दर्द हो रहा है, अगर वहां पर हम मालिश करते हैं तो लैक्टिक अम्ल विघटित होकर, लैक्टिक अम्ल जो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक अम्ल का निर्माण हुआ है, तो जब हम उस स्थान पर मालिश करने लगते हैं तो पुनः लैक्टिक अम्ल का विघटन हो जाता है जो कि एथेनॉल और जर्म जल में परिवर्तित हो जाता है। वो लैक्टिक एसिड जिसका निर्माण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हुआ है ऊर्जा प्राप्ति करने के लिए, जब हम पुनः उन मांसपेशियों की या उन पेशियों की मालिश करते हैं या आराम कर लेते हैं तो लैक्टिक एसिड का विघटन एथेनॉल और जल में हो जाता है, जिससे पेशियों में होने वाला दर्द खत्म हो जाता है या उस दर्द से हमें आराम मिलता है। तो पेशियों में दर्द किस अम्ल के कारण होता है ये आप जरूर याद रखेंगे। पेशियों में दर्द लैक्टिक एसिड के निर्माण के कारण होता है, और जब हम आराम करते हैं या मालिश करते हैं तो लैक्टिक एसिड पुनः एथेनॉल और जल में परिवर्तित हो जाता है जिससे हमें आराम मिलता है। अब गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस। चूंकि वायवीय श्वसन के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है, वायवीय श्वसन के लिए एरोबिक रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति, O2 की उपस्थिति अनिवार्य है, ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है। अतः वायवीय जीवों, एरोबिक ऑर्गेनिज्म को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण की जा रही है। जैसा कि अभी आपने देखा कि वायवीय श्वसन के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है, इसलिए जीवों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण की जा रही है। यदि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण नहीं की जाएगी तो दम घुटने जैसी समस्याएं आपको महसूस होंगी। इसीलिए जिन जीवों में वायवीय रिस्पायरेशन या वायवीय श्वसन होता है उनमें यह सुनिश्चित करना अति आवश्यक होता है कि ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा ग्रहण की जाए। अब पेड़ पौधों में या पादपों में किस प्रकार से गैसों का आदान प्रदान होता है, अभी तक आपने जंतुओं में देखा कि किस प्रकार से गैसों का आदान प्रदान होता है, वायवीय श्वसन किस प्रकार से होता है और अवायवीय श्वसन किस प्रकार से होता है। अब आप देखेंगे पादपों में या पेड़ पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस प्रकार से होता है। पौधों में गैस का आदान प्रदान रंध्र छिद्र के द्वारा होता है, ये चीज आपने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भी पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा विस्तार से देखेंगे कि पौधों में गैस का आदान प्रदान रंध्र या छिद्र के द्वारा होता है और अंतरकोशिकीय अवकाश, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस, यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी कोशिकाएं वायु के संपर्क में हैं। सभी कोशिकाएं वायु के संपर्क में हैं। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है, विसरण द्वारा होता है। ये कोशिकाओं में या उससे दूर बाहर वायु में जा सकती हैं, ये कोशिकाओं में या उससे दूर बाहर वायु में जा सकती हैं। तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र या स्टोमेटा के माध्यम से होता है जो कि लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस, ये सुनिश्चित करते हैं कि सभी कोशिकाएं वायु के संपर्क में हैं या नहीं। विसरण की दिशा पर्यावरणीय अवस्थाओं तथा पौधों की आवश्यकता पर निर्भर करती है। ये जो विसरण की दिशा है कि किस दिशा में वायु का विसरण होगा या किस दिशा में वायु का आदान प्रदान होगा, ये पर्यावरणीय अवस्थाओं तथा पौधों की आवश्यकता पर निर्भर करती है। रात्रि में जब कोई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो रही होती है
तो कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन ही मुख्य आदान प्रदान होता है। जैसे कि पिछले जैव प्रक्रम में न्यूट्रिशन में आपने देखा था प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत कि पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से अपने भोजन का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। उसी गैसों के आदान प्रदान में जब यह प्रक्रिया सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होती है और रात्रि में जबकि सूर्य का प्रकाश उपस्थित नहीं होता है तो गैसों का आदान प्रदान ऑक्सीजन तो छोड़ेंगे नहीं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ही बाहर छोड़ते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पेड़ पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, कुछ पौधे ऐसे हैं जो रात्रि में भी ऑक्सीजन छोड़ते हैं। उनको छोड़कर अधिकांश पौधे या लगभग सभी पौधे कुछ को छोड़कर रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड ही निष्कासित करते हैं। दिन में श्वसन के दौरान निकली कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है। जंतुओं के माध्यम से या अन्य किसी प्रकार से जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है उसका उपयोग पेड़ पौधे दिन में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कर लेते हैं, अतः कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती। पेड़ों के माध्यम से दिन में किसी भी प्रकार की कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती। इस समय अर्थात दिन में प्रकाश संश्लेषण में प्राप्त ऑक्सीजन ही निकलना मुख्य है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि दिन में पेड़ पौधे सिर्फ ऑक्सीजन छोड़ते हैं और रात्रि में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती, इसलिए पेड़ पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड ही ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ही बाहर छोड़ते हैं। अभी आपने देखा पादपों पेड़ पौधों में गैसों का आदान प्रदान, अब देखते हैं जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान किस प्रकार से होता है। जंतुओं में पर्यावरण से ऑक्सीजन को लेने और श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा पाने के लिए अर्थात बाहर निकालने के लिए, जैसा कि जंतु पर्यावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं, उसी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए विभिन्न अंगों का विकास हुआ है, एक संपूर्ण श्वसन तंत्र का विकास हुआ है। जैसे स्थली जीवों में श्वास लेने के लिए फेफड़े लंग्स का विकास हुआ है, संपूर्ण श्वसन तंत्र विकसित होता है, उसमें से फेफड़े महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो स्थली जीवों में श्वास लेने के लिए फेफड़ों का विकास हुआ है। इनके उदाहरण देखेंगे आप, मनुष्य, हाथी, घोड़े, कुत्ते आदि फेफड़े की मदद से ऑक्सीजन लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड उसी श्वसन प्रक्रिया में बाहर निकालते हैं। जलीय जीवों में गलफड़े या क्लोम का विकास हुआ है, जिसकी मदद से वे गैसों का आदान प्रदान करते हैं, अर्थात श्वास लेते हैं तथा श्वास छोड़ते हैं। जलीय जीवों में गलफड़ों का विकास हुआ है, जबकि स्थलीय जीवों में फेफड़ों का विकास हुआ है, अर्थात स्थलीय जीव फेफड़ों के माध्यम से श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं और जलीय जीव गलफड़ों के माध्यम से या क्लोम के माध्यम से, गिल्स के माध्यम से श्वास या श्वसन की प्रक्रिया पूर्ण करते हैं। अब देखते हैं कि जलीय जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। ऐसे जीव जो जल में निवास करते हैं या जलचर होते हैं उनमें गैसों का आदान प्रदान किस प्रकार से होता है। जलीय जीव श्वास लेने के लिए जल में विलेय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जो जल में ऑक्सीजन उपस्थित होती है उसी को जलीय जीव श्वास लेने की प्रक्रिया में उपयोग करते हैं। इसके लिए जलीय जीवों में गलफड़े या क्लोम का विकास हुआ है। जलीय जीवों में गलफड़ों के माध्यम से जल से ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है, जिसकी मदद से वो श्वास लेते हैं। चूंकि जल में विलेय ऑक्सीजन की मात्रा जल में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा
जल में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा से कम होती है। जितना ज़्यादा वायु में ऑक्सीजन उपस्थित होती है उतनी जल में उपस्थित नहीं होती। इसीलिए जलीय जीवों की श्वास दर, जो जल में जीव निवास करते हैं उसके उनके श्वास लेने की दर, सांस लेने की दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा द्रुत होती है या तीव्र होती है। जैसे हम श्वास लेते हैं तो हमारी गति कम होती है श्वास लेने की, क्योंकि वायु में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा उपस्थित होती है, जबकि जल में वायु की या ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा उपस्थित ना होने के कारण जलीय जीवों को द्रुत गति से या तीव्र गति से श्वास लेना पड़ता है। जैसे मछली जो कि एक जलीय जीव है, जब यह श्वास लेती है तो अपने मुख के द्वारा जल को ग्रहण करती है, अपने मुख के द्वारा उस जल को ग्रहण करती है और बलपूर्वक इसे गलफड़ों तक या क्लोम तक पहुंचाती है। उस जल को जो मुख के द्वारा ग्रहण किया गया है श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग करने के लिए उस जल को बलपूर्वक क्लोम तक पहुंचाती है, जहां विलेय ऑक्सीजन ब्लड में अवशोषित हो जाता है। जैसा कि अभी आप परिसंचरण तंत्र में भी आगे के प्रक्रम में देखेंगे कि किस प्रकार से ब्लड ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन का काम करता है, उसी प्रकार जब मछलियां जल को मुख के माध्यम से गलफड़ों तक पहुंचाती है तो गलफड़ों में रुधिर के माध्यम से जल में उपस्थित ऑक्सीजन को अवशोषित कर लिया जाता है और शारीरिक क्रियाकलापों को सुचारू रूप से चलाने के लिए उस ऑक्सीजन को शरीर की असंख्य कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। स्थलीय जीवों में गैसों का आदान प्रदान किस प्रकार से होता है? स्थलीय जीवों में गैसों का आदान प्रदान किस प्रकार से होता है? स्थलीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। विभिन्न स्थलीय जीवों में यह ऑक्सीजन भिन्न भिन्न अंगों द्वारा अवशोषित की जाती है। स्थलीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। विभिन्न स्थलीय जीवों में ऑक्सीजन भिन्न भिन्न अंगों द्वारा अवशोषित की जाती है परंतु इन सभी अंगों में एक रचना समान होती है जो उस सतही क्षेत्रफल को बढ़ाती है तथा ऑक्सीजन बाहुल वायुमंडल के संपर्क में रहता है। स्थलीय जीवों में अभी देखेंगे किस प्रकार से गैसों का आदान प्रदान होता है। ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय इस सतह के आर पार होता है, अतः यह बहुत पतली और मुलायम होती है, जिसके कारण इस सतह की रक्षा के उद्देश्य से यह अंग शरीर के अंदर अवस्थित होता है तथा इस क्षेत्र में वायु आने के लिए एक रास्ता होता है। इसके अतिरिक्त जहां ऑक्सीजन अवशोषित होती है उस क्षेत्र में वायु अंदर और बाहर होने के लिए एक क्रियाविधि होती है। तो अब इसको देखते हैं कि स्थलीय जीवों में गैसों का आदान प्रदान किस प्रकार से होता है। स्थलीय जीवों में श्वसन के लिए वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। स्थलीय जीव जो वायुमंडल में ऑक्सीजन उपस्थित होती है उसको श्वसन के माध्यम से अंदर अंतर्ग्रहण करते हैं और एक विस्तृत श्वसन तंत्र में उस वायु को पहुंचाया जाता है, जहां पर भिन्न भिन्न प्रकार के अंग उपस्थित होते हैं जो कि उस वायुमंडल के द्वारा ली गई श्वास में या वायु में उपस्थित ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेते हैं और शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करते हैं एक विस्तृत श्वसन तंत्र के माध्यम से। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय इस सतह के आर पार होता है। जब फेफड़ों में वायु पहुंचती है वहीं पर ऑक्सीजन को अवशोषित किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः से फेफड़ों में भेजा जाता है, जिससे कि उसको उत्सर्जित किया जा सके, या उत्सर्जित ना कहेंगे, श्वास को कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर पुनः वायुमंडल में निकाला जा सके, उसके लिए एक विस्तृत श्वसन तंत्र होता है। यह एक बहुत पतली
तथा मुलायम होती है। वहाँ पर एक प्रकार की सतह होती है जो कि पतली और मुलायम होती है। इस कारण से इस सतह की रक्षा के उद्देश्य से अंग शरीर के अंदर अवस्थित होता है। यह अंग शरीर के अंदर या फेफड़ों में उपस्थित होता है तथा इस क्षेत्र में वायु आने के लिए एक रास्ता होता है। नासिका के माध्यम से यहाँ पर वायु पहुँचती है और ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन को अवशोषित किया जाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर किया जाता है। यहाँ पर आपने अभी देखा स्थली जीवों में गैसों का आदान प्रदान किस प्रकार से होता है। तो श्वसन के इस पार्ट में हम यहीं तक अध्ययन करेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस वीडियो में आज का सवाल या श्वसन के इस पार्ट में आज का सवाल ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है। ग्लूकोज का आपको फार्मूला लिखना है और पेशियों में थकान पेशियों में थकान किस कारण महसूस होती है। तो आज के वीडियो में यहीं तक। इसके श्वसन के नेक्स्ट पार्ट में हम अध्ययन करेंगे मानव में श्वसन या मानव में श्वसन तंत्र किस प्रकार से होता है।